झारखंड के जनपद पश्चिम सिंहभूम में रोहित फाइन आर्ट्स एकेडमी के तत्वाधान में चक्रधरपुर शहर के रेलवे बर्टन लेक परिसर में आर्ट कार्निवाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शहर के कुल 15 चित्रकारों ने लाइव पारंपरिक एवं मेहंदी कला का प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता सह निवर्तमान वार्ड पार्षद लालजी प्रसाद ने चित्रकारों के हौसला अफजाई करते हुए उन्हें उपहार देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चित्रकारी एक ऐसी कला है जो भावनाओं के कैनवस में उकरता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आर्ट कार्निवाल प्रतियोगिता में हर संभव मदद करने की आश्वासन दी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आर्ट कार्निवाल प्रतियोगिता में हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मौके पर शहर के मेहंदी आर्टिस्ट अरुण सिंह, दंजीता कुमारी, पेंटिंग कलाकारों में आर्टिस्ट शिल्पा वर्मन, रेणु महतो, श्रीकांत कुजूर, श्रुति महंती, आदिति राज, डाली महतो, कैलाश भेंगरा, अभिनाश बानरा, लाइव प्रैक्टिस के लिए ममता एवं स्मृति मौजूद थी। आज बटन लेग में रोहित फाइन आर्ट्स द्वारा क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बच्चे शामिल हुए अपना कला दिखाएं? आज रोहित फाइन आर्ट्स एकेडमी द्वारा बटन लेक परिसर में स्कूली एवं कॉलेज छात्राओं के लिए आज आर्ट कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी वर्ग के कुल 12-13 लोगों ने शामिल होकर के पारंपरिक तथा मेहंदी आर्ट का जानकारी लिया और साथ ही लोगों को बताया भी कि पारंपरिक कला जो कहीं छुप गया है झारखंड में, उसको निकालने के लिए सभी एकजुट होकर मेहनत कर रहे हैं। इस तरह का कार्यक्रम बच्चे को मनोबल बढ़ाने के लिए हम हमेशा करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इससे क्या लाभ होगा बच्चों को? बच्चे इसमें जो पारंपरिक कला है, इसमें बच्चे राज्य स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे आगे बढ़े और अपना झारखंड के साथ साथ अपने शहर का ही नाम रोशन करें। अखंड भारत न्यूज के लिए रवि शंकर की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम।